पिछले रविवार एफसी गोवा के कोच जुआन फेरांडो बीच सीजन अपने टीम को छोड़ एटी के मोहन बगान के कोच बने थे, जिसके बाद भारतीय फुटबॉल के गलियारों में विवाद छिड़ गई। कई लोग ये कहकर फेरांडो की आलोचना करते दिखे कि सीजन के बीचों बीच इस तरीके से अपने टीम को पैसों के लिए छोड़ जाना सही नहीं है। एफसी गोवा के ओर से बताया गया था कि असिस्टेंट कोच क्लिफर्ड मिरांडा फिलहाल इंटरिम कोच के तौर पर काम करेंगे। और इस बीच खबर आ रही है कि गोवा ने अनुभवी डेरिक पेरेरा को कोच के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है। डेरिक पेरेरा पहले भी 2017 से 2018 तक गोवा के साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर जुड़े थे। 2018 में जब सर्जियो लोबेरा को कोच के पद से हटाया गया था, तब डेरिक पेरेरा को ही इंटरिम कोच बनाया गया था। हालांकि इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारतीय फुटबॉल से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया फूटी को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।